नमस्कार, मैं पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे इसे करना चाहिए और क्यों ये इतना ज़रूरी होता है। जी हाँ, मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, बट आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। मेडिटेशन क्या होता है, सभी जानते हैं कि ध्यान को हमने अपनी आँखें बंद करी या अपनी आँखें खोल कर हमने बस ध्यान करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है और ध्यान में डीप जाना है। जब हम ध्यान में डीप जाते हैं तो ही हमें उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं वो मिलते हैं। मेडिटेशन अपने आप में एक सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक है, अगर उसको हम सही तरीके से करते हैं तो। मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, आपको जो टाइप अच्छा लगता है आपको उसको चूज़ करना है और आपको उसको करना है। मेडिटेशन कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब आपका मन करता है, जब आप फ्री होते हैं तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जो ड्रेस आपको कंफर्टेबल लगती है आप उस पर मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वर्किंग भी होते हैं तो हम ऑफिस में ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के तो नहीं बैठ सकते हैं। जो आपका कंफर्टेबल क्लोथ्स है आप उस पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, चेयर मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, क्लोज आई मेडिटेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो टाइप्स बहुत सारे हैं, डिपेंड करना है कि आपका गोल क्या है, किस गोल सेट के साथ आपने मेडिटेशन को चूज़ किया है। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन क्यों इतना इफेक्टिव होता है। मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव होता है, मैं बहुत सालों से करा रही हूँ, 2011 से मैं मेडिटेशन करा रही हूँ और ख़ुद भी करती हूँ। मैंने इसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देखे हैं, इतने पॉजिटिव रिज़ल्ट देखे हैं कि मैं चाहकर भी आपको शब्दों में ये सारी चीज़ें बयां नहीं कर सकती हूँ, बट मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। क्योंकि मेडिटेशन क्या होता है, हम बहुत से लोगों ने ना इस चीज़ को, ध्यान को बहुत गलत तरीके से लिया हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन में बस आँखें बंद करके बैठ जाओ और भगवान का स्मरण करते रहो, ध्यान करते रहो, वो मेडिटेशन है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको भगवान का स्मरण नहीं करना है। आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जो भी आपके गॉड हैं, जो आप किसी भी अपने देवता को, अपने कोई भी गुरु, किसी भी आप जिनको मानते हैं, आप उनका स्मरण करके मेडिटेशन कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन सिर्फ हम इन भगवान तक पहुंचने के लिए करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपको ये रियलाइज़ कराती है कि आप क्या हैं। जी, आपको मेडिटेशन में खुद से बात करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आपको खुद को देखना है, खुद के अंदर झांकना है कि क्या है आपके अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ है आपके अंदर जो एक सफ़ेद वॉल पर कलर्स निकाल देती है। आखिर आपकी आँखों में कौन सा ऑरा है जो मेडिटेशन करते हुए आपकी आंखों से पानी निकाल देती है। तो ये सारी एक मिरेकल, एक ऐसे उदाहरण जो मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। तो मेडिटेशन के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी मेडिटेशन के डीप जाने के लिए भी, अगर आप मेडिटेशन को कैसे करना चाहिए, कौन सा टाइप फॉलो करना चाहिए, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अंत में सिर्फ इतना ही, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।